हेलो दोस्तों, आज मैं पापियास किचन स्टोरीज में फिर से आ चुकी हूँ। एक्चुअली ये जो प्रिपरेशन मैं आपको दिखाऊंगी, ये होली स्पेशल था। मेरी बदन ठीक नहीं थी, इसलिए मैं इसका एडिटिंग करने नहीं सका। तो ठीक है, तो देखिए मैं आज आपको एगलेस केक बनाने के लिए दिखाऊंगी कैसे कैसे कौन सा इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आइए आपको मैं दिखाती हूँ। पहले तो मैंने इस साइज कप लिया हुआ है, इस साइज का कप। इस कप में मैंने 2 कप मैदा लिया है यहाँ, और देखिए 1 कप के जैसा चीनी तो लिया है, लेकिन 1 कप पूरा नहीं दिया, मीठा ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही लिया है। तो मीठा का आप लोग जैसे जिस हिसाब से मीठा खाते हैं उस हिसाब से लीजिए। तो मैंने ये चीनी को जो है ऐसा डस्ट कर लिया। अभी इसमें मैं क्या क्या मिक्स करूंगी आप लोग दिखाइए। ये एगलेस है इसलिए आप लोग देखिए अच्छा से। इसमें मैं ये जो दूध है पाउडर का, ये देखिए 2 पैकेट इसमें यूज कर लिया। एवरीडे का एक पाउडर दूध है, ये मैंने दे दिया। फिर ये जो कॉफी पाउडर है इसको भी मैं थोड़ी सी डाली हूँ। कॉफी पाउडर देने से क्या होता है, ये डार्क होता है, थोड़ा कलर अच्छा आता है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो इस हिसाब से मैंने दे दिया कॉफी पाउडर। अभी इसमें मैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, देखते रहिए। ये है साइट्रिक एसिड, ये ज़्यादा मत डालिएगा, ये देने से खट्टा हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा। देखिए इतना, एक चुटकी के जैसे आप लोग साइट्रिक एसिड दे दीजिए। फिर मैं इसमें डालूंगी, देखिए ये है कोको पाउडर, 3 चम्मच के जैसा मैंने कोको पाउडर डाल दिया सबसे। फिर मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर, देखिए 1 चम्मच के जैसा बेकिंग पाउडर। और 1 चम्मच जो मैंने बेकिंग पाउडर दिया है उसके इस चम्मच से आधा चम्मच मैं इसमें और एक चीज मिलाऊंगी, वो है एक्चुअली यहाँ मैंने लिया नहीं है, वो है बेकिंग सोडा। ये सब अच्छा से मिक्स करके मैं ये जो छलनी है इसे छाक लूंगी, इसमें जो दाना है वो निकल जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए। तो देखिए अभी ये तो मैंने छान लिया, इसको साइड कर देती हूँ। अभी देखिए इसमें आधा कटोरी तेल लिया हुआ है, तो इसमें मैं एक बटर भी यूज करूंगी। बटर देने से खाने से भी अच्छा लगता है और इसका स्मेल भी अच्छा आता है। तो इसको, ये तो गला नहीं है लेकिन मैं इसको ओवन में डाल के इसको गला लूंगी, तो तेल के साथ ये मिक्स हो जाएगा। देखिए एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने ये तेल और बटर डाल दिया। अभी इसको मैं गर्म कर लेती हूँ और बटर को मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए बटर और तेल एक साथ मिक्स हो चुका है, तो अभी मैंने जो चीनी लिया हुआ है इसके साथ मिक्स कर दूंगी। आप लोग हिसाब ठीक रखिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा केक। तो देखिए चीनी के साथ इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लूंगी। फिर इसमें मैं ये जो एसेंस है वो डाल दूंगी। केक एसेंस डाल रही हूं मैं। फिर इसमें मैंने साइट्रिक एसिड जो डाला हुआ है
वो तो थोड़ा खट्टा है इसलिए थोड़ा सा नमक भी यूज करूंगी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो आप लोग नमक भी दीजिएगा थोड़ा सा। और ये जो चॉकलेट लिया हुआ है एक ट्विस्ट है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये जो चीनी का मिक्सचर है इसमें दूध डालती जाऊंगी थोड़ी थोड़ी सी, और ये मिक्सचर जो है वो मैं एक साथ मिक्स करके आपको दिखाऊंगी। आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो देखिए इसका कंसिस्टेंसी जो है ऐसा आएगा, ऐसा होगा इसका। तो अभी मैं इसको केक की शेप का जो बर्तन है उसमें डाल दूंगी। तो देखिए भाई देखते रहिए, ये जो बर्तन है इसमें मैंने गोल करके एक कागज दे दिया है। आप लोग पतला जो भी है बटर पेपर पर भी दे सकते हैं। तो इसमें मैं पूरा जो ये जो मिक्सचर है वो मैं इसमें डाल दिया। ऐसे डाल रही हूँ, पूरा आप लोग डाल दीजिए इसमें। तो गैस में मैंने एक तवा बिठा हुआ है, थोड़ा ऐसे ऐसे डैप डैप कर दीजिए, इसे अंदर में जो हवा है वो निकल जाता है ऐसा करने से। तो देखिए मैंने गैस में एक तवा बिठाया हुआ है, थोड़ा सा भारी तवा है, इसमें मैं ये जो केक का बर्तन है इसमें डायरेक्ट बिठा दूंगी। फिर गैस का जो आग है उसको सिम कर दूंगी, ये 15-20 मिनट के लिए इसको बिठाया हुआ है। फिर इसको मैं एक अच्छी तरह से एक बर्तन से ढक दूंगी इसको। फिर आप लोग 10-15 मिनट बाद इसको वो जो मैंने ढका हुआ है आप लोग जो ढक देंगे वो उठा के एक पिन से ऐसे ऐसे करके देख लीजिएगा कि अंदर में हुआ है या कच्चा रह गया है। तो मैं देखते रहिए, मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे होता है केक। तो देखिए मैं आधा घंटा तक यहाँ पे रखा है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी ढकने को उठा के फिर कैसे केक बन चुका है। तो आप लोग देखिए ऐसा आप लोग ढक के ऐसा करके एक भारी कुछ ऊपर से ऐसे डाल दीजिएगा, फिर नहीं तो हवा निकल जाएगा। तो देखिए मैं निकाल रही हूँ अभी, देखिए कितना सुंदर स्पंजी हो रहा है। देखिए फिर अभी निकाल के इसको मैं ठंडा होने के लिए कुछ देर तक रख दूंगी। फिर ठंडा होने के बाद मैं ऊपर से कैसे चॉकलेट का लेयर दूंगी फिर आप लोग देखिएगा। यही है मेरा आज का ट्रिक, तो आप लोग देखते रहिए। तो हेलो 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 पापियास किचन स्टोरीज में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे देखते रहिए। थैंक यू। तो देखिए मेरा एक ग्लेस केक जो है वो रेडी हो चुका है। तो अभी जो मैंने आपको ट्रिक बोला था, ये देखिए ये जो चॉकलेट है डेयरी मिल्क, ये मैंने दूध थोड़ा सा दूध दे के इसको घोल लिया है, लिक्विड बना लिया है। तो ये जो घोल है लिक्विड है वो मैं केक के ऊपर डाल दूंगी ऐसे। ऐसे डाल के ऊपर पूरा सा एकदम ऐसे स्प्रेड कर लूंगी, फिर इसको ठंडा होने के लिए कुछ देर तक मैं छोड़ दूंगी। जब ठंडा हो जाएगा तब इसके साथ ये चिपक जाएगा, फिर खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग पापियास किचन स्टोरीज में आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा नया नया वीडियो देखिए। आप लोग ये जरूर बनाइए, एक ग्लास एक केक खाने से बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग जरूर बनाइएगा, मुझे कमेंट्स कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को। तो देखिए केक कितना अच्छा लग रहा है देखने में। फिर आप इसके ऊपर क्रीम भी डाल सकते हैं व्हाइट वाला।